शादी हो जाएगी तो लक्ष्मी का क्या बनेगा? गौरी और आपके सिवा ये किसी के हाथ से चारा भी नहीं खाती। भाभी तुम मेरी शादी की चिंता मत करो, पहले रमेश भैया का सोचो ना। तू क्या समझती है मुझे उसकी चिंता नहीं? पहले घर में देवरानी लाऊंगी, फिर ननंद के हाथ पे ले लूंगी। सुनिए, कितने दिनों से रमेश ने कोई खत पत्र नहीं भेजा। अरे बाबा, वकालत का इम्तहान सर पे है, जानती हो कितनी किताबें पढ़नी पड़ती है वकील बनने के लिए। क्यों नहीं, खानदान का नाम रोशन करने के लिए तो बेचारा अपनी जान मारता है। कहिए, सारे गांव में आप जैसा कोई भाग्यशाली है जिसका छोटा भाई कॉलेज में पढ़ता हो और वो भी वकालत? आप कुशल से होंगे, मैं आपके आशीर्वाद से यहाँ कुशल से हूँ। भाई साहब, आपको मालूम है कि मेरा इम्तहान काफी नजदीक आ गया है। और आप चुप क्यों हो गए? क्या लिखा है रमेश ने? रमेश ने 150 रुपए मंगवाए हैं, लिखा आखिरी साल है, अगर फीस नहीं भरी तो इम्तहान नहीं बैठ सकेगा। लेकिन 150 रुपए आएंगे कहाँ से? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ। 3 बीघे जमीन थी, वो भी रमेश की पढ़ाई के लिए टुकड़े टुकड़े करके बेच दी। कुछ जमीन भी तो लोग उधार भी देते थे। भैया, जहाँ इतना कुछ किया है वहाँ किसी ना किसी तरह ये भी करना ही पड़ेगा। तू समझती है मैं चुप बैठा रहूंगा?
मैं अपनी जान बेच दूंगा पर रमेश को निराश नहीं करूंगा। ये क्या रमेश की फीस देने के लिए लक्ष्मी को भेज दोगे? रमेश मेरा भाई है और लक्ष्मी उसकी माँ है। अगर आड़े वक्त में माँ और भाई काम ना आएंगे तो और कौन है? आओ लक्ष्मी, आओ, आज। लक्ष्मी, लक्ष्मी। राम राम लाला जी। जय जय राम जी रतन बाबू। लाला जी। हाँ। 150 रुपया उधार चाहिए। उधार? ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? मेरे छोटे भाई का वकालत का इम्तहान है। अच्छा। गाय साथ ले आया हूँ, इसे आप गिरवी रख लीजिए। राम 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 राम, हिंदू और गाय गिरवी रखे, और वो भी आप जैसे विद्वान की? नहीं रतन भैया, आप रुपए ले जाइए, जब हाथ खुला हो तो दे जाना। ये लीजिए, गिन लीजिए, पूरे 150। देखा, रुपए आ गए ना? रुपए तो आ गए, मगर ये रुपए भेजने के लिए मेरे भैया को ना जाने किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। तो श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब हुआ कि अच्छे काम को अपना कर्तव्य समझकर करना चाहिए, स्वार्थ से मजबूर होकर या फल के लालच से काम नहीं करना चाहिए। तो आज यही समाप्ति है, कल फिर दर्शन। नमस्ते। शांति, जरा एक गिलास पानी लाना जल्दी से। लाई। ये पत्ती कैसे? कहीं से चोट लगी? सुना था अस्पताल में अपना खून देने से वो लोग रुपया देते हैं। ये देखो 10 रुपए ले आया, 150 पूरे हो गए, अब हमारा कर्जा उतर जाएगा। छोटे भाई को रुपए से पढ़ाने वाले भाई तो कई मिल जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का मान है कि खून देकर अपने छोटे भाई को पढ़ाने वाला आदमी मेरा पति है। लेकिन शांति, भाई भी तो अपना खून होता है। अपने खून के लिए ही मैंने अपना खून लिया है, किसी पे एहसान नहीं किया। लो, ये रुपए संभाल के रख लो। क्या हुआ भैया? अच्छी खबर है ना? नहीं सुनाऊंगा, पहले उसे सुनाऊंगा। माँ पढ़, वकालत के इम्तहान में रमेश सारे प्रांत में अव्वल आया है। देखा, जो वचन तुझे दिया था आज मैंने पूरा कर दिया है। घर घर में आज उसके चर्चे हो रहे होंगे, लोग कह रहे होंगे धन्य है वो माँ जिसने रमेश जैसे पुत्र को जन्म दिया। क्या सचमुच रमेश भैया पहले नंबर पे आए हैं? तो इसमें झूठी क्या हो सकता है? और झूठ होगा क्यों, आखिर भाई किसका है? जानती हो, मैंने सिर्फ अपना शौक पूरा करने के लिए पंडित जी से गीता पढ़ी थी, और आज दूर दूर से लोग गीता का अर्थ पूछने के लिए मेरे पास आते हैं। और बेचारे रमेश ने तो दिन रात जाग जाग कर बरसों मेहनत की है, तब जाकर ईश्वर ने उसे ये फल दिया है। हेलो हेलो, लॉ कॉलेज जी, कौन साहब बोल रहे हैं? ओह, प्रिंसिपल सीताराम जी। देखिए, मैं जज मोतीलाल बोल रहा हूं जी। प्रिंसिपल साहब, वो 709 रोल नंबर वाला लड़का जो लॉ में फर्स्ट आया है, आप उसका पता बता सकते हैं? जी रमेश, बेलापुर का रहने वाला है। अच्छा अच्छा, रतन बाबू का भाई है। थैंक यू सो मच, नमस्ते। कौन था फोन पे? तुम्हारे दामाद का पता पूछ रहा था। दामाद? मैंने अपनी कला के लिए लड़का ढूंढ लिया है, सारे सूबे में BLB में फर्स्ट आया है, और नाम है रमेश। बस 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 बस, ना जात पात का पता, ना घर बार का, अखबार में नाम देखकर लड़के को दामाद बना लिया। कौन जाने चंदा मांग मांग के पढ़ा हो। तो क्या हुआ, इल्म की दौलत तो है उसके पास। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे बाप के पास क्या था? तुम्हारा बाप वकील था और मेरा बाप था।
फल बेचता था। लेकिन सब लड़के आप जैसे थोड़े ही निकलते हैं। एक ही लड़की है मेरी, मैं तो घर बार देख के शादी करूंगी। कम से कम मेरा दामाद डिप्टी कमिश्नर तो जरूर होना चाहिए। कौन जाने, कला के नसीब अच्छे हुए तो यही लड़का एक दिन चीफ जस्टिस भी बन जाए। मुंशी हुजूर, चश्मे बद्दूर आपने याद फरमाया। तुम फौरन रतन बाबू को बेलापुर तार दे दो कि मैं कल उनसे मिलने आ रहा हूँ। अभी दे देता हूँ हुजूर। नहीं, देखिए प्रेस वालों को लेटर छपने दिए थे, उन्होंने गलती से मेरा ना मिस कला की जगह मिसेस कला लिख दिया है। चश्मे बद्दूर, प्रेस वालों को कैसे खबर हो गई? अभी बिटिया, हम अपने होने वाले दामाद को देखने ही तो जा रहे हैं। मुंशी चाचा, कोई और बात नहीं सोची तुमने? बिटिया, मुंशी ठीक कह रहा है, मजाक नहीं कर रहा है। आखिर एक दिन तो तुम्हारी शादी करनी ही है। डैडी। भैया, भाभी। पहले भैया को सलाम। वाह वकील साहब हैं, तुमने तो कमाल कर दिया। सारे प्रांत में अव्वल हैं, इतने नंबर कहाँ से मार लिए? बोलो कौन? गोरी, गोरी गांव की छोरी। पहचान लिया? अच्छा देखो मेरी बम्बई से क्या चला है। देखो भैया, ये कपड़ा है या जाली? तू क्या जाने, आजकल यही फैशन चल रहा है। आग लगे ऐसे फैशन को, क्या बंबई में लड़कियां ऐसे कपड़े पहन के निकलती हैं बाहर? भाभी तुम्हारे लिए और कुछ नहीं, ये साड़ी लाया। क्या मेरी उम्र अब ऐसी साड़ी पहनने की है? क्यों भाभी? इससे तो अच्छा था कि अपने भैया के लिए कोई गर्म कोट ले आते। क्यों, मेरे फेफड़े कमजोर हैं क्या, या मुझे सर्दी जुकाम रहता है? अच्छा खासा मजबूत आदमी हूँ मैं। अपने भैया के लिए लाया हूँ ये शॉल और नए फैशन की ये चप्पल। अरे पगले, अगर मैं ये बढ़िया बढ़िया चीजें पहन के गांव में निकलूंगा तो लोग कहेंगे छोटे भाई के वकील बनते ही इसका दिमाग खराब हो गया है। रमेश भैया, सबके लिए कुछ ना कुछ लाए हो, लक्ष्मी को भूल गए क्या? भला कोई अपनी माँ को भी भूल सकता है? देख लक्ष्मी के लिए मैं ये लाया। मैं पहनाऊंगी भैया, मैं पहनाऊंगी। पहनाएगी, ये तो अभी तक बच्चा है, इसे वकील किसे बना दिया? हटिए, आप क्या समझते मेरे देवर को? नमस्ते जी। नमस्ते। आइए पधारिए। पधारिए। धन्यवाद। तो आप हैं रतन बाबू जी, और रमेश आपका छोटा भाई जी। बड़े खुशकिस्मत हैं आप। मैं समझा नहीं। मेरा मतलब है कि ऐसा होनहार और रोशन दिमाग भाई बड़ी खुशनसीबी से मिलता है। रतन बाबू, मेरे यहाँ आने का मकसद कि आपकी खुशकिस्मती का थोड़ा सा हिस्सा मैं भी बांटना चाहता हूँ। बेटी के लिए आपसे रमेश का हाथ मांगने आया हूँ। लेकिन जज साहब, आपका और हमारा क्या मुकाबला, हम तो बहुत ही गरीब लोग। देखिए, आपको ये कहने की जरूरत नहीं, जो शख्स गीता का इतना बड़ा विद्वान और रमेश जैसे लड़के का बड़ा भाई है, उसकी दौलत का अंदाजा मैं लगा सकता हूँ। अच्छा रमेश जो है, जरा इधर आओ मेरे साथ। भैया, जब तक गौरी की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं करूंगा, और जब तक मेरी छोटी भाभी नहीं आएगी मैं भी इस घर से नहीं जाने वाली। रमेश, सुदामा के घर भगवान आए हैं, उनकी बात रखनी चाहिए। और फिर अगर इतने बड़े घर में तुम्हारा रिश्ता हो गया तो गौरी की शादी भी किसी अच्छे घर में हो जाएगी। सोच क्या रहे हो भैया, जल्दी से भाभी ला दो ना। जैसी भैया की मर्जी। अब जैसा, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आइए तो फिर गले मिल लें, आज से हम दोनों संबंधी हैं। बैठिए रखिए। हुजूर, चश्मे बद्दूर, मुबारक हो दोनों तरफ। बताशा मैं घर से लेकर चला था, मुंह मीठा किए लेता हूँ। अरे बाबू, कला मेरी इकलौती लड़की है,
जहेज की फहरिस्त आप ही तैयार कर लीजिए, मैं कोई कसर नहीं रखूंगा। जज साहब क्षमा कीजिए, मैं गरीब जरूर हूं लेकिन पराए धन पे नजर नहीं रखता, हमें कौड़ी भी नहीं चाहिए। क्या कह रहे हैं आप? देखिए शादी ब्याह संजोग की बात होती है, जहेज को मैं रिश्वत समझता हूँ, आशा आप भी मेरे इस नियम का आदर करें। रतन बाबू आपने गीता पढ़ी ही नहीं, समझी चश्मे बद्दूर। हुजूर अगर सभी लोग रतन बाबू जैसे हो जाएं तो हजारों गरीबों की लड़कियां घर में कमारी ना बैठी रहे। चश्मे बद्दूर तुम ठीक कहते हो। अच्छा रतन बाबू अब हम चलते हैं। नमस्ते। तेरी शरण पड़ा हूँ दाता, तू ही पिता है तू ही माता, हम सब तेरे बच्चे वाले, तू सारी दुनिया को पाले। दास भगत का है ये कहना, दर्शन इस दिन देते रहना, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक आलीशान। छोटी सी इस अलमारी में जब से तेरे चरण पड़े, छोटी सी इस अलमारी में जब से तेरे चरण पड़े, तेरी भक्ति की है मैंने जाग के रातें खड़े खड़े। चौड़ी हो जाए ये अलमारी, चौड़ी हो जाए ये अलमारी, दे ऐसा वरदान तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान। इस भूखे की भूख मिटा दे, इस प्यासे की प्यास बुझा, इस भूखे की भूख मिटा दे, इस प्यासे की प्यास बुझा, भर जाए पेट तेरे दर्शन से चक्कर ऐसा कोई चला। खर्च करूं तो नगद नारायण, खर्च करूं तो नगद नारायण, है तेरा अपमान तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान। बुरी हवा है इस दुनिया की, भगवान बाहर मत जाना, हवा है इस दुनिया की, भगवान बाहर मत जाना, भूले से कभी चले गए तो सूद के साथ पलट आना, साथ हमेशा लेकर जाना, साथ हमेशा लेकर जाना, ये अपना दरबान तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान, तेरे पूजन को भगवान बनाऊं बैंक में आलीशान। पिताजी बहुत हो चुकी है दौलत की पूजा, कुछ तो ख्याल कीजिए, सारा गांव आपका मजाक उड़ा रहा है। आज गांव मजाक उड़ा रहा है, कल पतंग उड़ाएगा, उनसे मेरा क्या वास्ता, मैं तो सिर्फ मजे उड़ा रहा हूँ। राजा जी ये गांव वाले मेरी दौलत से जलते। दुनिया क्यों जलेगी पिताजी? क्या
सारे गांव में सिर्फ आप ही एक अमीर हैं। अरे मैं भी तो इसीलिए रो रहा हूँ कि इस गांव में और भी अमीर हैं। इसीलिए मैं भगवान श्री नकर नारायण के चरणों में बैठकर प्रार्थना कर रहा था कि हे भगवान, तू अपने सच्चे भक्तों की जरूर सुनता है, कोई ऐसा चमत्कार दिखा कि गांव के सारे अमीरों को प्लेग की गिल्टी निकल आया मेरे सिवा, सबके सब मर जाए और फिर मैं अकेला गाँव का बेताज बादशाह बनकर गलियों में घूमा करूँ। पिताजी, भगवान से सबका भला मांगना चाहिए। छी 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 छी, भला भी कोई मांगने की चीज है? भगवान से मांगे तो 10-20 करोड़ रुपया मांगे पागल कहेगा। देख, मैं बंबई जा रहा हूँ, वकील से मशवरा लेना है, मेरे लौटने तक घर का अच्छी तरह ध्यान रखना। पिताजी, मुझे भी बंबई ले चलिए। तुम्हें बंबई ले चलो। क्यों भाई, वहाँ क्या कुली नहीं मिलते जो तुम्हें असबाब उठाने के लिए साथ ले चलो? पिताजी, मैं कॉलेज में अपना नाम लिखवाऊंगा। तो कॉलेज में पढ़ना चाहता है? बात तो अच्छी है, मगर पहले मुझे इम्तिहान दे। अच्छा बता, 9 और 10 कितने होते हैं? 19 पिताजी। 10 और 9? वो भी 19 पिताजी। 20 और 10? 20 और 10 30 हुए पिताजी। 30 और 5? 35 हुए पिताजी। 5 में से 10 निकाल दिए? 5 में से 10 निकाल दिए पिताजी, तो कुछ भी नहीं बचा। अरे जा भाई। देख बेटा, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें पैदा किया है ना, उसका तो तू एमए है, कहे तो अभी सर्टिफिकेट लिख दूंगा। देख, हमारा धंधा है लेन देन का, सूद के इतने, असल के इतने, बस पढ़ाई खत्म। जैसे आपकी मर्जी पिताजी, चार आने देते जाइए, बाल कटवाने हैं। ना बेटा, आजकल बाल नहीं कटवाने, सर्दियों के दिन है, अगर बाल कटवाए तो सर को हवा लग जाएगी, हवा लग गई तो जुकाम हो जाएगा, जुकाम हो गया तो फेफड़े खराब हो जाएंगे, फेफड़े खराब हुए तो बुखार आ जाएगा, बुखार आ गया तो डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, डॉक्टर आया तो उसको फीस देनी पड़ेगी, और अगर फीस दे दी तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा, अगर मैं बर्बाद हो गया तो श्री नकर नारायण की इंसल्ट हो जाएगी, इसलिए बाल नहीं कटवाने। हाँ, और नया पैसा कहाँ है तू? क्या हूँ दौलतराम सेठ जी, जल्दी से इधर आ मेरा खाता लेकर। देख बेटा, मेरे पीछे घर का अच्छी तरह से ध्यान रखना, और वो अलमारी है ना, उसके आसपास ही रहना है। मंजिल की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक क्यों गए? शायद मैंने अच्छी तरह स्वागत नहीं किया। जरा एक नजर इधर तो देखो, जज साहब की लाडली। आप मुझे इस नाम से ना पुकारिए। तो और किस नाम से पुकारूं? ये आंखें जिनमें सवेरा झलक रहा है, ये बातें जिनसे अमृत टपकता है, और ये बाहें जो मेरी जिंदगी में प्यार का झूला बंद कराई है, किसी अप्सरा की ही तो हो सकती है। नहीं, मुझे सिर्फ अपनी दासी समझिए। कला, आज तुम्हें पाकर मैं कितना खुशनसीब इंसान हूँ, लेकिन मुझे इस मंजिल पर पहुंचाने वाला मेरा भाई है, मेरी भाभी है। मुझे वकील बनाने में उनके फाकों का कितना हिस्सा है, ये मैं ही जानता हूँ। सोचता हूँ मैं बहुत कुछ बन गया, काश इसी तरह मेरी छोटी बहन को भी कोई ऐसा ही घर मिले, यहाँ उसे मान मिले, आराम मिले, सुख मिले। क्यों नहीं, आपकी ये कामना भी पूरी होगी। मैं इस सफर में आपके साथ हूँ, हर कदम पर आपको सहारा दूंगी। आपकी सेवा करना मेरा धर्म है। कहिए रतन बाबू, बरातियों को किसी किस्म की शिकायत तो नहीं हुई? ये आप क्या कर रहे हैं जज साहब, बेचारे देहात के सीधे साधे आदमी थे, शहर की ठाट पाट देखकर हैरान रह गए। गांव जाकर महीनों किससे कहानियां सुनाते रहे। भैया, रामू चाचा एक बात कह रहे थे। क्या कह रहे? ये कि शादी के बाद बहू को एक रोज भी घर नहीं लाए, और सच ही तो कह रहे थे, अगर भाभी घर आती तो गांव में कितनी रौनक हो जाती। रतन बाबू, अपनी मजबूरी तो मैंने आपको पहले ही बता दी थी, मैं इसी शादी के लिए रुका हुआ था, वरना फौरन ही विलायत चला गया होता। एक सरकारी मुकदमा अधूरा पड़ा है, टिकट का इंतजार है, शायद कल ही चला जाऊं। क्यों नहीं, कामकाज तो लगा ही रहता है। तो रतन बाबू, रमेश के यहाँ रहने से एक फायदा यह होगा कि वकालत की महारत होती रहेगी। मुंशी वकील तो नहीं, लेकिन वकालत के दांव पे सब जानता है, रमेश को इससे भी काफी मदद मिल सकती है।
आपका लड़का है जैसा आप मुनासिब समझें। अच्छा तो आ गया। जीती रहो, सदा स्वागत। बेटी यही तुम्हारे ससुर हैं और यही जेठ। जब कभी ये यहाँ आए या तुम ससुराल जाओ तो सवेरे उठ के सबसे पहले इन्हीं के चरण छो। बीए की डिग्री तो 4 साल में मिल जाती है लेकिन गृहस्थ वो इम्तिहान है जिसके लिए सारी जिंदगी मेहनत करनी पड़ती है। सदा ऐसा काम करना जिससे मैकी और ससुराल दोनों का नाम रोशन हो। जज साहब आप तो जज ही रहे, कोई मूर्ख तो है नहीं कला जो इतना बड़ा भाषण झाड़ दिया। आप विलायत चले गए तो क्या हुआ, मैं जो यहाँ हूँ। अरे तुम कहाँ जाओगी मुंशी जी। चलो इन्हें स्टेशन पर पहुँचाएगा। अच्छा रमेश, बीवी के प्यार में कहीं भाभी को न भूलना। अपनी माँ को भी कोई भूल सकता है? भैया मैं भी आपके साथ स्टेशन तक जरूर चलूंगा। नहीं नहीं रमेश, मैं तुम्हारी आदत से वाकिफ हूँ। खुद भी रहोगे, मुझे भी रुलाओगे। तुम ही तो क्या तुम्हारे बाप ने फिटन भेजी थी? दौलत सेठ मेरा बाप तो बेचारा गधे चराया करता है। हाँ, अगर ऐसी सवारी की कभी जरूरत हो तो अगली बार एक गधा भिजवा दूंगा। मुंशी तू खुद चले आना, तू कौन सा कम है। हाय हाय हाय, सेठ हमेशा कम की बात किया करते हो, अजी कभी तो बढ़ती की बात किया करो। छोटे हुजूर चश्मे बद्दूर आप हैं दौलत सेठ, जज साहब के बहुत पुराने मुक्किल हैं। हुजूर वो केस नंबर 26XYZ/ABC आप ही का था। जी तेरे वकील साहब, स्टेशन से लेकर यहाँ तक मैं आप ही का चर्चा सुनते आ रहा हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी आता हूँ। मैंने कहा दौलत सेठ घूर किसे रहे हो? मेरी समझ में ये नहीं आया मुंशी कि जज साहब का दामाद ये था या वो। चश्मे बद्दूर अब चश्मा लगाया करो। वो तो जज साहब की लड़की है। लड़की लड़की? हाँ। मैं समझा कि कोई हवाई जहाज पतलून पहनकर आ गया है। खैर कुछ भी कहो, जरा को दामाद अच्छा मिला है। चश्मे बद्दूर। अरे वाह वाह मुंशी, अंग्रेजों ने ये लंबी कुर्सी खूब चीज बनाई है। हाँ तो कहिए सेठ जी, और क्या खबर है, अच्छे तो हैं आप? अजी खाक अच्छा हूँ वकील बाबू, आमदनी आजकल दमन्नी की नहीं और भूख लगती है अठन्नी की। आपको ये जानकर खुशी होगी कि अदालत ने मुकदमे का फैसला आपके हक में दिया है और 50,000 की डिग्री मिल गई। भगवान आपका भला करे, आपको तो किसी चीफ जस्टिस का दामाद होना चाहिए था। क्या कहा दौलत से? चश्मे बद्दूर मेरा मतलब ये है कि जज साहब को चीफ जस्टिस होना चाहिए था। जज साहब मेरे मेहरबान है, मैं तो उनको भला ही चाहूंगा ना। हाँ तो वकील साहब आपका गाँव कौन सा है? बेलापुर। बेलापुर, आपके पिता का शुभ नाम? मैं लाला राम प्रसाद का लड़का हूँ। राम प्रसाद मल्होत्रे का? हाँ जी। अरे फिर तो तुम अपने ही लड़के हो, राम प्रसाद और मैं बचपन के साथी हैं। बेचारा जरा खर्चीला बहुत था, अपने हाथों अपनी सारी जायदाद फूंक दी, मगर जी आदमी के पास खाने को हो तो क्यों नहीं खाया। तुम्हारे बड़े भैया कैसे? जी बड़े मजे में। आपकी एक छोटी बहन भी तो होती थी ना जी, उसकी शादी हो गई? जी मैं और बड़े भैया किसी अच्छे वर की तलाश में हैं। और तो वकील बाबू आज से ये तलाश छोड़ दीजिए, मेरे एक ही लड़का है, मैं भी किसी अच्छी लड़की की तलाश में हूँ। चश्मे बद्दूर, दौलत से सच कह रहे हो या मुकदमे की फीस बचाना चाहते हो? ठीक। मुंशी ब्याह शादी की बातों में मजाक नहीं किया करते। हाँ तो वकील बाबू क्या इरादा है? देखिए बहुत लाडली है हमारी बहन, हमारी तो यही ख्वाहिश है उसे अच्छे से अच्छा घर मिले। तो वकील साहब फिर बात पक्की हो गई, बाकी रही दहेज की बातचीत वो बाद में कर लेंगे, पहले मुहूर्त निकलवा लूं। देखिए फैसले का हक तो बड़े भैया का है, जो वो करें वो हम सबको मंजूर। आप कल गांव जाकर उनसे मिल लीजिए।
अच्छी बात है, मिल लूं। वो शांति कहाँ हो? रमेश का खत आया है, लिखा है गौरी की शादी समझ लो बस हो गई, बहुत बड़ा घराना है। पाँच सात लाख के अंदर खेलते हैं। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था अगर रमेश की शादी अच्छे घर में हो गई तो गौरी की शादी में कोई मुश्किल ना होगी। तो पाँच लाख की मालिक बनेगी हमारी गौरी। अब तो हमें गौरी से डर के जरा दूर दूर रहना चाहिए, क्यों शांति? क्यों भाभी, क्या मुझे कोई छूतछात की बीमारी लग गई है? ऐसा है तो घर से निकाल दो। हम क्यों निकालने लगे, ले जाने वाला तो खुद आ रहा है। और क्या लिखा है रमेश? लिखा है सेठ दौलतराम गौरी को देखने के लिए कल ही आ रहे हैं, जहेज में जो कुछ भी मांगे आप हाँ कर दीजिएगा और शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिएगा, जो भी खर्चा होगा मैं आकर चुका दूंगा। ये सब माँ की आशीष है जो बच्चों को लग रही है। चल गौरी। अरे ओ सब्जी वाली, इधर आ इधर आ, हमारे लखपति सेठ तुझे बुलाते हैं। जरा आराम से दबा, आराम से आ जा। मेरा हाथ तो लगा। मैं चल तू हाथ लगा दे भाई, देखो गिरा उठा। अरे ची 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 ची, ये क्या बासी सब्जी ले आई? अभी अभी खेत से तोड़ कर ला रही हूँ। भाव क्या है? गाजर छह आने से। मैंने गाजर का नहीं आलू का भाव पूछा है। शिमले का आलू है, छह आने से कम नहीं मिलेगा। दौलत राम सेठ जी सारी उम्र दुनिया को लूटते रहे, आज क्या भाजी वाली से लूट जाओगे? अरे मंडी में ये भाजी आधे दाम में मिलती है। बहन जी आज मैंने राम जी की कसम खाई थी कि तुमसे सब्जी जरूर खरीदूंगा, लेकिन क्या करूँगी, नए पैसे ने गड़बड़ कर दिया। आप आज जाइए, कल आना। अरे सेठ आज क्या और कल क्या, जिसके नसीब में दाल खाना लिखी हो वो दाल ही खाएगा। हाँ जा 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 जा, ये टमाटर लेती जा, टमाटर लेती जा। सेठ जी, सेठ से नौकर सब आया। अरे देख तेरे सेठ ने क्या है कमाया, बोल मैं जीता के तू। और सेठ जी ये वैगन। अरे बेटा कैसा, ये देख गोभी का फूल। सेठ जी ये। अरे ये क्या है? भाजी वाली का। अरे नया पैसा, भाजी वाली की साड़ी से फाड़ लिया क्या है? अरे हाँ याद आया, वो बेला गांव जाने का है ना, वकील साहब की बहन को देखने। हाँ। चलो चलो चलो। नमस्ते जी, नमस्ते। आप रतन बाबू हैं ना? मेरा नाम सेठ दौलत राम है। मैं जानता हूँ आप नासिक से आ रहे हैं ना। जी हाँ। बता रही अच्छी। धन्यवाद धन्यवाद। ये मेरी धर्मपत्नी। नमस्ते जी, नमस्ते। शांति, ये गौरी के रिश्ते के लिए आए। रतन बाबू आप लाला राम प्रसाद के लड़के हैं ना? जी हाँ। लाला जी क्या आदमी थे, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। सारी उम्र लोगों को खिलाते रहे पिलाते रहे, इसके बावजूद भी सुना है कि 25-50 हजार छोटकारी पर लोग सिधारे। जी ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस इज्जत की दौलत छोड़ कर गए। खैर जी, मैं कौन सा आपसे हिसाब पूछ रहा हूँ, वो तो है। जी भूख तो नहीं है? थोड़ा बहुत। ना खाना भी आप शगुनी होगी, क्यों नहीं आप ऐसा? जी हाँ खाई खाई। ये ले तू भी ले, ले ले। आपके सुपुत्र कॉलेज में पढ़ते हैं? कॉलेज वो क्या चीज होती है? मेरा मतलब है कितनी जमातें पढ़े? ठीक। जमायतों का हिसाब तो मेरे पास नहीं, लेकिन चिट्ठी पत्र लिख लेता है। मेरा ख्याल है कि आपकी बहन भी लिख पढ़ ले रही। जी बस घर के गुजारेगी, आप उसे देख लीजिए ना। शांति जरा गौरी को बुला लेना। गौरी जीती रहो, जीती रहो बेटी, जीती रहो। अरे नया पैसा जी। बच गए बिल्कुल। हाँ, बच गए। जी हाँ, वो मैं डर रहा था कि कहीं आपकी बहन भी आपके भाई की धर्म पत्नी जैसी ना निकले। वो क्या हुआ, जब मैंने पहली बार आपके भाई की धर्म पत्नी को देखा तो मुझे शक हुआ कि आपका भाई खड़ा है। अच्छा जाओ बेटा जाओ, मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। जा जा जा, जीती रहो जीती रहो। रतन बाबू, जज साहब ने रमेश की शादी पे आपको तो माला माल कर दिया होगा। जी
बड़े घर में रिश्ता होने का यही तो मतलब होता है। जेहिस में 50,000 से क्या दिया होगा? तुम चुप रहो जी, रुपए क्या दरख्तों पे उगते हैं? 45 एक दिया होगा जी। नहीं 30-35? नहीं इतना भी नहीं। तो फिर आप अपनी जबानी बताइए, इससे कम तो मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए वो तो मांगा जहेज देना चाहते थे, लेकिन मुझे ऐसी रस्मों में विश्वास नहीं है, मैंने खुद ही इनकार कर दिया। विश्वास ही नहीं? विश्वास क्या हुआ? को बुला? नहीं बाबूजी, राजा इनका इकलौता बेटा है, सारे रास्ते जहेज के सपने देख के आए, आपकी बातें सुनकर इनका दिल बैठ गया। लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा कि गौरी की शादी में मैं जहेज नहीं दूंगा। अच्छा ये बात है तो अभी मैं होश में लाता हूँ। ये नोट की खुशबू कहाँ से आई है? माफ करना रतन बाबू, सफर में रात भर नींद नहीं आई इसलिए जरा ऊंग आ गई थी। वैसे मैं जहेज का लालची नहीं हूँ, मेरे भी विचार बिल्कुल आप जैसे हैं, लेकिन मेरे लड़के की पहली पहली शादी है, उस बिन माँ के बच्चे के भी तो कुछ अरमान होंगे। सुनिए। क्या बात है? जरा यहाँ आइए। मैं भी आ रही। कोई बात नहीं। और नया पैसा जी? नोट इधर ला। क्यों, मैं खा जाऊंगा? नहीं, पी जाएगा। लो, लो। गौरी जाओ, लक्ष्मी को चारा डालो। देखिए मुझे तो ये आदमी कुछ लालची मालूम होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि गौरी इस घर में सुखी ना रह सके। इस दुनिया में कौन लालची नहीं शांति, और फिर रमेश ने कुछ सोच समझ कर इस रिश्ते के लिए हामी भरी होगी ना। लेकिन आप तो जहेज को रिश्वत समझते हैं ना। अपने सुख के लिए तो रिश्वत ली नहीं, अपनी बहन के सुख के लिए रिश्वत दे जरूर। जैसे आपकी मर्जी। आप तो जानते हैं शादी ब्याह के मामले में औरतों की राय लेना जरूरी होता है। जी, जी, जी। मेरी धर्मपत्नी भी यही कहती है, कन्यादान में जहेज जरूरी है। शुभकाम। तो हमारी हैसियत कोई 5,000 तक की है। जी 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 अजी, 5,000 नकद तो बहुत होता है जी, और उसके अलावा जेवर होगा, कपड़ा लत्ता होगा, बारात की आओ भक्त होगी, बहुत कुछ होगा। तो जितनी हिम्मत है उतनी छलांग लगा सकते, चादर के बाहर पैर फैलाना मुझे नहीं आता। हाँ इतना जरूर कहूंगा, मेरी बहन जिस घर में भी जाएगी उसे स्वर्ग बना दे। रतन बाबू आज से हम संबंधी हो गए, मुहूर्त की खबर मैं आपको बाद में पहुंचा दूंगा। धन्यवाद। मुंह तो मीठा कीजिए, आपने तो खाया ही नहीं। अरे घर से इतना खा पी कर चले थे कि अभी तक भूख ही नहीं लगी है, मगर शायद रास्ते में लग जाए। नया पैसा जी, रुमाल निकाल और बांध ले। चल 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 चल। रुमाल तो वो नहीं है तो कोई बात नहीं, थाली ले चल भाई, वापस कर देंगे। अच्छा रतन बाबू अब आज्ञा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा जी नमस्ते। क्यों बेटा घर से खताया? जी हाँ। सब अच्छी है ना? जी हाँ सब अच्छे हैं। गौरी की सगाई सेठ दौलतराम के लड़के से तय हो गई है और अगले हफ्ते शादी का मुहूर्त। अच्छा, क्यों ना गौरी की शादी यहाँ करें? मम्मी तुम्हारा क्या ख्याल है? ख्याल तो बड़ा अच्छा है, लेकिन बेटी रतन बाबू को भी तो अपने दिल के अरमान निकालने दो। इतने बरसों के बाद उनके घर में शादी हो रही है, वो भी परदेश में हो, जात बिरादरी वाले क्या कहेंगे? कला कुछ जेवर वगैरह भी तो खरीदने होंगे। तो क्या हुआ, आज शाम को जब आप कचहरी से लौटेंगे तो आपके साथ चलकर सब चीजें खरीद लेंगे। गौरी की शादी धूमधाम से होनी चाहिए। शादी हो गई लेकिन रही बच्ची की बड़ी। जहेज का सामान वो लोग खरीद सकते हैं जिन्हें इन बातों की समझ हो। रतन बाबू सयाने आदमी है, अपने आप सब कुछ खरीद लेंगे। खरीद तो लेंगे लेकिन रुपया तो मुझे ही देना है। क्यों बेटा, तुम्हारे भैया के पास रुपया नहीं है? मैं रुपया भेजू ना भेजू शादी तो वो निभा ही लेंगे, लेकिन मेरा भी तो कुछ फर्ज है। मैंने 10,000 देने का फैसला किया है। अच्छा तो आज पता चला बेटा कमा कमा कर बहन की शादी के लिए रुपया जमा कर रहा है। एक कौन से बैंक में हिसाब खोला है? ना कोई बैंक है ना हिसाब, मैंने सोचा था आपसे ले लूंगा और धीरे धीरे वापस करता रहूंगा। बेटा तुझसे मुझे क्या रुपया प्यारा है, लेकिन मेरे पास रखा ही क्या है, और फिर कला के पिताजी भी यहाँ नहीं है। छोटे हुजूर चश्मे बद्दूर आपका तार। तार, तार कहाँ से आया? देखना बेटा घबराने की कोई बात नहीं, पिताजी ने मुझे लंदन बुलाया, पेट में तकलीफ है, मामूली सा ऑपरेशन होगा। हाय राम, परदेश का वो दुख देखने गए थे, अब मैं क्या करूं? बेटा रमेश क्यों ना हम तब उनके पास चले। उन्होंने मेरे सिवा किसी को नहीं बुलाया,
अच्छा तो मुंशी जी आप रमेश बेटे के लिए टिकट का बंदोबस्त कीजिए, मैं अभी रुपए लेकर आती हूँ। हर तरफ से मुसीबत, गौरी की शादी में एक हफ्ता, रुपयों का कोई इंतजाम नहीं। मैं चला गया तो भैया अकेले ये बोझ कैसे उठाएंगे? अच्छा तो तुम ना जाओ, हम माँ बेटी चले जाते हैं। अपना खून किसे प्यारा नहीं होता, मेरा कोई बेटा होता तो ऐसा टका सा जवाब ना देता। आप गलत क्यों समझ रही हैं माँ जी, मैं जाऊंगा। अच्छा मुंशी जी ये लीजिए 5,000 रुपए। कला बेटा चलो इनका सामान तैयार करें। मुंशी जी जी पासपोर्ट का इंतजाम 24 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। हुजूर चश्मे बद्दूर 1 घंटे में लीजिए, यहाँ का पासपोर्ट ऑफिसर मेरी थाली का जवाई है, इनकम टैक्स ऑफिसर मेरा भांजा है और एयरपोर्ट इंचार्ज हरी किशन कपूर चश्मे बद्दूर मेरी बीवी के पहले खामिद का लड़का है। अच्छा अब रहे 10,000 रुपए जी, वो भैया को भेजने होंगे, बड़े घर का जवाई हूँ। अब मैं समझ गया सरकार, मैं समझ गया, मुल्तानी सेठ से लेकर कला बेटी को दे दूंगा, पहले भी मैं कई बार उससे दस्ती उधार लाया हूँ। मुंशी जी जी आपने मेरा बोझ हल्का कर दिया। हुजूर चश्मे बद्दूर आखिर नौकर होते किस काम के लिए हैं, आप चिंता ना कीजिए मैं सब इंतजाम कर दूंगा। रतन बाबू शादी के लिए बस 800 रुपए का सामान। ये कह तो चुका हूँ इस वक्त तो मैं ये भी नहीं दे सकूंगा। कोई बात नहीं, दुकान तो आपकी है, आपका सामान मैं आपके घर भिजवा दूंगा, आप बेफिक्र रहिए। बहुत धन्यवाद, जरूर जरूर बेटा। रमेश के वापस आते ही मैं ये कर्जा चुका दूंगा, आप पर पूरा भरोसा है, ले जाइए ले जाइए। अच्छा तो देंगी मुझे देश की हवा।
ठीक नहीं है, न जाने कहाँ मेरा बचपन खो गया। यहाँ भी तो नहीं है, वहाँ भी तो नहीं है, न जाने कहाँ मेरा बचपन खो गया। मम्मी मम्मी, उनका तारा है। तारा है? क्या लिखा है? लिखा है कि पिताजी का ऑपरेशन हो गया है, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है भगवान का, मेरा तो दिल बैठा जा रहा था। और लिखा है कि वो आज ही वापस लौट रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आएंगे, सीधा बेलापुर गौरी की शादी पर चले जाएंगे। मुझे भी बेलापुर बुलाया है, मम्मी मैं आज शाम को चली जाऊँ। बड़ी खुशी से जाओ बेटी, ये लो 10,000 रुपए का इंतजाम भी हो गया है, अपने जेठ को दे देना। मुझे चाचा, आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? नहीं बेटी, चश्मे बद्दू मेरी छोटी लड़की के बाल बच्चा होने वाला है, इसलिए मुझे आज ही गाँव जाना है। रुपया संभाल के ले जाना। अच्छा मालकिन, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। अच्छा बेटी। मम्मी, मैं गौरी के लिए क्या तोहफा लेकर जाऊं? क्या जरूरत है, रुपए हाथ में आते ही खर्च की सूझने लगी। मम्मी मम्मी, ये रुपए उनके बड़े भैया को देने हैं। हाँ हाँ, रुपए बरसात में टपकते हैं ना। अभी कल वकालत शुरू की, 4 पैसे की कमाई नहीं और बहन की शादी में 10,000 रुपया कर्ज लेके खर्च करेगा। लेकिन मम्मी, ये रुपए वहां ना पहुंचे तो वो बहुत बिगड़ेंगे। डरपोक कहीं की, आज बहन की शादी के लिए कर्ज ले रहा है, कल भाई के संस्कार के लिए लेगा। हातम ताई का खजाना है ना हमारे पास, जो उसका कर्ज चुकाते फिरे। मम्मी ऐसा ना करो, उनके बड़े भाई का सहारा भी कौन है, वो तो उन्हीं के भरोसे जिंदा है। ये सब ढोंग है ढोंग, छोटे भाई की पढ़ाई के बहाने सारी जायदाद बेचकर माल घर में दबा रखा है। तेरा दिल भी मेरी तरह मोम का है, लेकिन जरा ये भी तो सोच कि कल तेरे 4-5 बच्चे हो जाएंगे तो क्या तेरा जेठ आकर उनकी परवरिश करेगा? जा आराम से बैठ, कुछ नहीं होगा। गाड़ी से जरूर आ गया होगा, स्टेशन से यहाँ तक आने में तो 10-15 मिनट लग जाएंगे। रतन बाबू, मुहूर्त की घड़ी सर पर आ गई है, लेकिन अभी तक जहेज के दर्शन नहीं हुए। जी, मैंने 10 बजे वाली गाड़ी से रमेश आ ही गया। जी 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 जी, मैंने आपसे गाड़ी का टाइम नहीं पूछा, जहेज की रकम का टाइम पूछा है। जी, रमेश आ गया तो समझो रकम भी आ गई। बस समझने की बात है दौलत से। अरे मैं कुछ नहीं समझता, कोई रेलगाड़ी से आई या बैलगाड़ी से, मुझे तो अपना रुपया चाहिए। अब नहीं आएगा रमेश। श्रीमान जी, मुहूर्त का समय हो गया, लगन शुरू करूं? हाँ, पहले रुपया आ लेने दो, लगन तो बाद में भी हो सकता है। लगन हो जाने दीजिए, रुपया तो आ ही जाएगा। तो फिर उसके बाद लगन भी तो हो ही जाएगा। लेकिन मुहूर्त का क्या होगा, शुभ समय पर संजोग हो जाए तो बच्चे सारी उम्र सुख भोगेंगे। अच्छा अच्छा, लगन शुरू करो। लेकिन रतन बाबू, एक बात कह देता हूँ, अगर लगन खत्म होने से पहले मेरे हाथ में रुपया नहीं आया तो लगन कैंसिल, और बारात के आने जाने के खर्चे का दावा ऊपर से, समझे? ठीक है ना राजा? चलो बेटा, तेरे शुरू करो। रमेश बाबू नहीं आए है? रमेश बाबू नहीं आए। ये कैसे हो सकता है? सब कुछ हो सकता है आजकल रतन,
क्या तुम्हारी गीता में ये भी लिखा है कि किसी शरीफ आदमी को घर बुलाकर उसे धोखा दो? नहीं नहीं दौलतराम सेठ, सेठ कहाँ हूँ मैं, तो कंगला हूँ कंगला। तुमने तो सेठ बनने का मौका ही नहीं दिया। 20,000 के लड़के का सिर्फ 5,000 में फैसला किया, उसमें से भी कौड़ी नहीं मिली। अपने वकील भाई का नाम लेकर मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहते हो? शादी के बाद भाइयों में पहले जैसा प्यार नहीं रहा, वरना भाई और बहन की शादी में ना, जब से जज साहब का घर जवाई बना है गांव में पांव भी नहीं रख। तो मैं कौन सा इसकी बहन को अपने घर में पांव रखने दूंगा? राजा इधर आओ मेरे पास, हमारा इन कंगलों से कोई संबंध नहीं। पिताजी हाँ? ये कैसे हो सकता है, शादी हो चुकी है, मैं इसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका हूँ, फूल माला भी पहना दी है। तो क्या हुआ, बाजार में क्या और फूल नहीं मिलते, दुनिया में क्या और लड़कियां नहीं मिलती? जी चाहे तो टाटे शादियां करना, आठ आठ मालाएं पहनाना। चलो मेरे साथ, मैं आपके पांव पड़ता हूँ, मेरी इज्जत मट्टी में न मिलाएगी। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, थोड़ा सा वक्त और दे दीजिए, मैं अपना वादा पूरा करूंगा। जाओ जाओ, तुम्हारा वादा तो 10 बजे वाली गाड़ी के साथ साथ अगले स्टेशन पहुंच चुका है। चलो राजा जल्दी चलो, अगर गाड़ी छूट गई तो सारी बारात को खाना खिलाना पड़ेगा, समझे? नहीं देखिए, किसी गरीब की बेटी की लाज रख लीजिए। देखिए बेटी आप अपने घर रखिए और लाज मैं घर ले जाता हूँ। राम राम। चलो राजा जल्दी चलो। अरे तू क्यों लेट हो रहा है, घर पहुंचने से पहले पहले तेरी दूसरी शादी करवाता हूँ। चल हाँ जी जी चल भाई, तू मेरे जूते की पॉलिश खराब कर रहा है, खाम खा आने लग जाएंगे। चल भाई, अरे उतारो उतारो सब सेवर उतारो, मेरे कपड़े लगते भी संभाल लो। गगन बाबू मेरे बताऊंगा क्या होगा, देखो की बेटी से शादी कर ले। लेकिन पिताजी मेरी शादी तो हो चुकी है। जी 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 बेटा, शास्त्रों में लिखा है कि जब तक जहेज घर में ना आ जाए वो शादी शादी नहीं होती। कौन से शास्त्र में लिखा है? अरे शास्त्र तो आजकल पंडितों के पास नहीं होते, मेरे पास कहाँ से होंगे? कुछ भी हो, मैं गौरी की मांग में सिंदूर भर चुका हूँ,
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे वो नया पैसा? जी जी जी। जा गौरी की मांग से सिंदूर पूछ के आ। जब से बाल कटवाए हैं तेरा दिमाग खराब हो गया है। अरे बेटा वो शादी नहीं थी, शादी की रिहर्सल थी, असली शादी तो अब होगी। जो कुछ होना था हो चुका है, शादी एक ही बार होती है, सरकारी कानून भी तो यही कहता है। अबे छोड़ सरकार की बात को, मैंने कौन सा सरकार को तेरी शादी का निमंत्रण पत्र भेजा था जो दूसरी शादी पर एतराज करेगी? पिताजी मैं अपना फैसला सुना चुका हूँ। अबे ओ जज की औलाद, देख अगर तू अपना फैसला सुना चुका है तो मेरा फैसला भी सुन। शादी वहीं होगी जहाँ मैं चाहूंगा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा और अपनी जायदाद में से एक दमड़ी तक नहीं तुम्हें दूंगा। आप अपनी दौलत अपने पास रखिए, देख लेना एक दिन आपके सोने चांदी को दंग लग जाएगा, अलमारी में भरे हुए नोटों को चूहे खा जाएंगे। अरे मैं उन चूहों को ना खा जाऊंगा जो मेरा माल हजम करेंगे। बोल अगर तू इस घर में रहना चाहता है तो शादी करनी पड़ेगी। ना मुझे इस घर में रहना है और ना शादी करना है, मैं आज ही बम्बई चला जाऊंगा। अरे चला जा, टिकट तुम्हारा ससुर लेकर देगा। अगर विदाउट टिकट बम्बई पहुंच भी गया तो वहां तेरे नाना ने लंगर खोल रखा जो दो वक्त तुम्हें रोटी देगा। बोलो भैया
क्यों नहीं? मैं वही हूँ भैया, जिसे तुम रात दिन गौरी गौरी कहकर आसमान सर पर उठाए रखते थे। मुझे भूल गए हो क्या? पहचान भी नहीं सकते? बच्ची नहीं हो, इतना तो समझ सकती हो कि जब वो तुम्हारी शादी पे नहीं आया तो इसका क्या मतलब है? वो तुम कंगलों से कोई रिश्ता रखना नहीं चाहता। जाओ जाओ, अपने घर का रास्ता लो। भैया, मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि बड़े घर से नाता जोड़कर तुम अपनों को भी भूल जाओगे। बस बस, ये उपदेश ना दे, तेरी भी तो शादी हो गई है। भैया भूल गया तो क्या हुआ? जा अपने पति के घर जाकर उसकी सेवा कर, अब तेरा ठिकाना वही है। बाल-बाल नहीं कटवाओगे? अरे अपन कटवाते नहीं थे क्या? दुनिया के कान। यार कमाल है, अंदर कोई और गया था, बाहर कोई और आ गया। ए भाई साहब, साहब क्या है? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, खुदा की कुदरत देख रहा हूँ, परदेसी जान पड़ते हो। हाँ, गांव से मैं आया। ये पासिंग शो भी काम की तलाश में आया था। खैर छोड़ो ये काम मान, पहले मैं तुम्हें बंबई का जोग्राफिया समझा देता हूँ। जोग्राफिया? हाँ यार, आओ मेरे साथ, देखो मैं तुम्हें क्या क्या। यार ये तो बता, जेब में माल कितना है? यार 18 रुपए थे, कपड़े लिए, नाश्ता किया, बाल कटवाए, बाकी के नाई ले गया, तो जेब में बोलो यार। ये तो बहुत अच्छा हुआ, रहा खटका ना चोरी का। देख तेरे, ये बंबई है, यहाँ जो लाखों रुपए लेके आया वो खाली हाथ लौट गया, और जो धोती लोटा लेके आया उसने बिल्डिंगें खड़ी कर ली। अरे वाह। हाँ प्यारे, यहाँ जरा झुक के चलो तो थार से सर, ये मेरा मतलब है यहाँ सीना तान के चलो तो लोग आंखें बिछा देते। समझा? समझा। आ जा मेरे साथ। क्यों है गुरु, आपको जाना कहाँ है? मुझे नासिक जाना है। स्टेशन कहाँ है? स्टेशन वो तो मेरे घर के पास ही है। मुझे आप सिर्फ रास्ता बता दीजिए। तकल्लुफ किस बात का? अगर इंसान इंसान के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा? आइए। वो तो ठीक है, लेकिन मुझे नौकरी मिल जाएगी ना? अरे पहले हौसला रख, आदमी रेल का इंजन होता है और हौसला उसका पिस्टन। जिंदगी कॉफी का एक प्याला है और हौसला उसकी शक्कर की डली। तुम ठीक कहते हो यार। थैंक यू। अच्छा पहले ये तो बता, तेरे कुश्ती आती है? कुश्ती? फ्री स्टाइल? फ्री स्टाइल नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं यार। गप मारना आता है? धत तेरे की यार, कहीं तो हाँ बोल, तेरे को तो कुछ भी नहीं आता है। उछलना कूदना, नाचना गाना बजाना। हाँ? गाना बजाना आता है? गाना बजाना आता है? मार दे तुम। हाँ? तो काम बन गया, बन गया। फिर कमाल ना, सिरे पिला फटाफट। तो लड़की मुसीबत में है यार, बम्बई में तो सब मुसीबत में। ला सिगरेट ला। कोई फायदा नहीं, समझी? मकान के ऊपर छत भी है, भगवान तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचेगी। यार बुखला क्यों गया? अरे कुछ बोलो तो। जो हाँ? ये मेरी बीवी है। बीवी? तो यहाँ कैसे? बाद में बताओगे। चलो पहले इससे तो निपट ले यार। हाँ जा। मुझे बताइए ये सब बात क्यों है? अब हम इसे कहाँ लेके जाते हैं ये भी देख लेना। ये बात में हाँ। Thank you.
बड़ी गलती। आप तो सचमुच मेरे लिए भगवान बन के आए हैं। किस मुंह से मैं आपका धन्यवाद करूं? वो सब ठीक है, पहले यहाँ से चलिए। आइए 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 जी, चलो आओ जी आओ आओ। देखिए मैं अभी नासिक चली जाती हूँ, वहाँ मेरे पति का घर है। आधी रात गए अकेली नासिक जाओगे? क्या तुम्हारा पति तुम्हें यहाँ कर नहीं ले जा सकता? नहीं, उन्होंने तो जब मेरी मांग में सिंदूर भरा था उसी वक्त मेरे ससुर उनको शादी के मंडप से उठाकर ले गए थे। मैंने तो उनके दर्शन भी नहीं किए, सिर्फ उनके चरणों को देखा था। ओ, तो सिर्फ पति के पांव देखकर ही उससे इतना प्यार हो गया? कौन जाने वो भी अपने बाप की तरह हो। तुम उसके पास जाओ और वो धक्के मार के तुम्हें बाहर निकाल। एक बार कोशिश कर देखती हूँ, मैं उनसे विनती करूंगी, उनके पांव पड़ूंगी। पत्नी न सही तो दासी बनकर उनके यहाँ रहूंगी, और अगर फिर भी उन्होंने मुझे स्वीकार न किया तो उनके कदमों में मैं अपनी जान दे दूंगी। वाह वाह, लड़की है बहादुर। कुछ भी हो, इस वक्त तुम्हारा नासिक जाना मुनासिब नहीं। ठीक तो है दीदी, ये मेरी मौसी का घर है, आज की रात तुम यही बसर करो, कल देखा जाएगा। तुम ठीक है ना? आओ मेरे साथ आओ ना। मैं जरा अपनी मौसी को बुला रहा हूँ। आज तो बड़ी जल्दी आ गया, अभी तो मुर्द ने बांग भी नहीं दी। मौसी ये है ना, ये बेचारी अपने ससुराल जा रही थी, कहीं से एक गुंडा इसके पीछे पड़ गया, लेकिन ऐन मौके पे मैं जा पहुंचा और उसकी वो मरम्मत की, वो की जिंदगी भर याद करेगा बेटा। मौसी ये बेचारी आज यहीं रहेगी? हाँ हाँ, बड़ी खुशी से बेटा। जिंदगी में आज पहली बार तूने नेक काम किया है। मौसी इरादा तो हमेशा नेक करता हूँ, लेकिन क्या करूँ, नतीजा ही बुरा निकलता है। ये तेरे साथ कौन है? ये ये आज ही पैदा हुए हैं। मेरा मतलब है ये पैदा तो पहले हो चुके, लेकिन मुझसे आज मुलाकात हुई है इनकी। बहुत अच्छा आदमी है मौसी। मौसी हम दोनों बाहर सो जाते हैं, ऐसे तुम अपने पास सुला लो। अच्छा ठीक है ना, आ जाओ। चलो बेटी अंदर। बेटी आप अपने घर रखिए और लाज मैं घर ले जाता हूँ। राम राम। Thank you.
हाँ सिंह चौ, क्यों ना ये बात उस वक्त तक याद रहे जब तक मैं जिंदगी में कुछ बन नहीं जाता। जब अपने पांव पर खड़ा हो जाऊंगा फिर अपना आप जाहिर करूंगा। जिसे भी तो यही कसम खाकर आया हूँ। कमाओगे कब कुछ बनोगे और कब ये बिचारी तुम्हारी पत्नी बनकर तुम्हारे साथ रहेगी। भैया मेरी बात मान जाओ और उसे जाके साफ साफ कह दो कि तुम उसके पति हो। भगवान क्या मुझे मेरी मंजिल मिलती? क्या मुझे बचाने वाला मेरा पति है? जब तक वो अपने मुंह से मुझे अपनी पत्नी कहकर ना पुकारेंगे मैं भी नाप छुपाकर चुपके से उनकी सेवा करती रहूं। उन पर ये कभी जाहिर ना होने दूंगी कि मैं सब कुछ जान गई हूं। बेटी मैंने साफ सुन लिया है। अभी तक सोच रही थी कि शायद वही लड़का दीवान है लेकिन तुम्हारी बातें सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि तुम भी दीवान। मैं तुम्हें अभी ले चलती हूँ उसके पास। नहीं मौसी ऐसा ना करना। जब वो खुद इस राज को मुझ पर खोलना नहीं तो उनकी आज्ञा का पालन करना मेरा फर्ज है। उस पर कुछ ना कहिएगा जब तक वो मुझे स्वीकार न कर ले। तुम दोनों बच्चे हो। अच्छा जैसी तुम्हारी मर्जी चलो। खबर नहीं मिली शांति। अब मैं एक पल भी इस गांव में नहीं रह सकता। चलो अभी चले। हम भी गांव छोड़कर चले गए तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। जो कोई भी दरवाजे से गुजरता है जानबूझकर रोरी के बारे में पूछता है। कोई कहता है वो किसी के साथ भाग गई। कोई कहता है उसने आत्महत्या कर ली। ये दूसरी बात सच हो सकती है पहली नहीं। ने गठरी बांधो दो चार कपड़े चलो चले। चलो मां अब तुम भी यहां क्या करोगे? नहीं आ रहा हूं। जयराम जी। जयराम। अच्छा तो बोरिया बिस्तर बांध कर गोल हो रहे हो। कहां गया हो तुम्हारा गीता का उपदेश? जा रहा हूं मगर चोरों की तरह नहीं। अगर विश्वास हो तो कुछ दिन और इंतजार कर लो वरना दूसरा रास्ता। दूसरा रास्ता? क्या गोरी ने शहर से रुपए भेजे हैं? बोलो कितना हिसाब बनता है? हिसाब पूरे 900 रुपए है। 900 रुपए? जी। अच्छा ये लो। ये क्या? क्या 900 रुपए होती है? ये बाप दादा का मकान है इसे भी नीलाम करवा लें। गिरवी तो है ही तुम्हारे पास। अच्छा लक्ष्मी नए घर में तुझे चारा तो बहुत मिल जाएगा लेकिन शायद उतना प्यार ना मिले जो मैं तुझे दिया करता था। खैर बच्चे बड़े होकर मां से अलग हो ही जाया करते हैं। तो पता चलता है कि इनके दिमाग में कोई खराबी नहीं। मैं इन्हें हवाई जहाज के हादसे की याद दिलाता हूं।
मैं हूँ कला, पहचान रहे हैं मुझे? कला, कला क्या गौरी की शादी हो गई? हाँ बेटा, बड़ी धूमधाम से शादी हुई। तुम्हारी अगर हाथी का तो किसी को पता भी नहीं चला। कला बेटी आओ, डॉक्टर साहब ने रमेश को आराम को कहा है, अभी आती हूँ मैं। अच्छा, शायद भैया तो यही सोचते होंगे कि मैं अभी तक लंदन से लौटा ही नहीं। कला, उन्हें मेरे घर का तो कुछ पता नहीं? कुछ पता नहीं। अच्छा ही हुआ, अगर भैया को कहीं इस हादसे का पता चल जाता तो उनका दिल टूट जाता। मैं आज भैया से जाकर मिलता। नहीं नहीं, कम से कम डॉक्टर से इजाजत तो ले लीजिए। अपने भैया को मिलने के लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। लानत है मेरी जिंदगी पर, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मेरा खाक छान रहा है। क्या इसीलिए मेरा जन्म हुआ था? ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों न गया, मैं मर क्यों न गया? अजी बड़े साहब, ये मगरमच्छ की आंखें दरवाजे पर ना भाइए, यहाँ बरसात के कारण पहले ही फिसलन बहुत हो रही है। जयराम जी की। ने इस घर में चरण डाले, कहिए गौरी की शादी तो अच्छी तरह हो गई थी ना? तो क्या गौरी यहाँ नहीं आई? गौरी और यहाँ? क्या ये घर से भागी हुई लड़कियों का आश्रम है? ये आप क्या कह रही हैं? बेटियाँ सबकी होती हैं, अपने भाई के घर ही तो आई थी। भाई का घर कोई धर्मशाला नहीं कि जो भी आए बिस्तर लगा ले। हमने इन लोगों के बारे में क्या सोचा था? ये हमने कहा माथा जोड़ लिया। क्यों, कौन सी तकलीफ दी है हमने आपको? बेटी तू इन गवारों के मुंह न लग। बड़ी मुश्किल से बेचारे रमेश ने इनसे पीछा छुड़ाया, लेकिन ये गठरियां उठाए पीछे पीछे चले आ रहे हैं। ये उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो क्या चार दिन के लिए घर जमाई बनकर वो इतना पराया हो गया है? न जाने आप लोगों ने उसे क्या खिला दिया। शांति, शांति से काम लो। देखिए रमेश से मिलने आए, हमें जरा उससे मिला दीजिए। वो आपकी सूरत भी देखना नहीं चाहते। उनको मालूम हो गया है कि आपने उनकी पढ़ाई के बहाने सारी जायदाद खाए। अगर पापी की हमने खाली होती तो कब के खा लेते। जब मैं इनके घर आई थी तो रमेश और गौरी इतने इतने से थे, लेकिन मेरी मां ने मुझे वो सबक नहीं दिया जो आप अपनी बेटी को दे रही है। मेरी मां ने घर से विदा करते हुए मुझसे कहा था, जब तक अपने देवर और ननंद का पेट न भरे तब तक अपने औलाद के मुंह में अनाज का दाना न डालना। लोग संतान के लिए दुआएं मांगते हैं और मैं भगवान से सदा यही कहती रही हूं कि रमेश और गौरी के होते हुए मुझे संतान की जरूरत नहीं। शांति रोकिए नहीं, आज मुझे बोलने दीजिए।
जिन्होंने रातों को स्कूलों में पढ़ाया, अपना बेचा ठेले कीजिए, ये सब किसके लिए? रमेश के लिए। कितना खर्च किया होगा उनकी पढ़ाई के लिए? हिसाब बताइए, अभी चेक दे देती हूँ। तुम रुपया दोगे? कीमत गाय भैंस के दूध की होती है, माँ के दूध की नहीं। लेकिन तुम क्या जानो माँ के दूध की कीमत? तुमने किसी माँ का दूध पिया है जिसका बेटी ने यह सीखा कि शादी के बाद का पति खरीदा जा सकते? माँ भाई बहन भाभी का उस पर कोई अधिकार नहीं होता। चलो बेटी, ये तो घर से लड़ने की ठान कराए हैं, तो हमारा क्या बिगाड़ लेंगे? आदमी बिगाड़ सकता है, लेकिन याद रखो, कोई भी लड़की जो शादी के बाद ये समझती है कि ससुराल से उसका नैका अच्छा है, कभी सुख का सांस नहीं ले सकती। शांति, आग लग गई शांति को। आज तक इस जबान से कड़वा शब्द में निकला था, लेकिन सुन लो, सुन लो, मेरी देवी जैसी ननन की आंखों में आंसू बसाने वाली तो खुद उम्र भर रोती रहेगी। शांति, शांति। गौरी के आंसू आंसू नहीं, भगवान के आंसू है, वो रंग ला कर रहेंगे। शांति, ये तेरे मुंह में जबान कहां से आ गई? जिंदगी भर में तेरी जबान से इतने शब्द नहीं सुने जो आज तू दो पल में बोल गई। जब से तुझे ब्याह कर लाया तुझे उजले कपड़े नहीं दिए, जेवर नहीं दिए, लेकिन एक चीज जरूर सिखाई, सुख हो या दुख हमेशा सीधे रास्ते पर चला। आज तू वो रास्ता कैसे भूल गई तेरी जबान से और किसी के लिए बद्दुआ करना? अनपढ़ सी औरत है, बहुत कुछ कह गई। जब अपना खून ही दगा दे गया, आप लोगों से क्या किया? चल सुनिए, रमेश को मेरा प्यार दे दीजिए। मन हो सूरत नजर ना आए। ये कहे कि मेरी सूरत को क्या हो गया है? सूरत तो वही है, लेकिन तुम्हारे दिल को मैंने अब पहचाना है। हट जा मेरे रास्ते। नहीं, मैं आपको कहीं जाने ना दूँ। आप मुझ पर पिघल लीजिए, मुझे मारिए, लेकिन जाइए नहीं। जी तो चाहता है तुम्हें जान से मार डालूं, लेकिन तुम्हें मार डालने से मेरी बहन की रोती हुई आंखें तो नहीं मुस्कुरा सकती, मेरे भाई और भाभी का जरा संसार तो नहीं बच सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके लिए भाई भाभी बहन सब कुछ है, मेरे लिए कुछ भी नहीं? भी वो होती है जो खाविन के एक इशारे पर जान दे दे, लेकिन तुमने तो मेरी पीठ में छुरी मारी, मेरे भाई को मुझसे छीन लिया। वो भाई जिसके होते हुए मैंने कभी ना सोचा था मेरा कोई बाप नहीं, मेरी भाभी को मुझसे अलग कर दिया, जिसने पलकों की डोरियां बना बनाकर मुझे बचपन में झूला झुलाया, मेरी उस मासूम बहन को कहीं का ना छोड़ा जिसके अभी हंसने खेलने के दिन थे। ये सब कुछ करने के बाद तुम मुझसे बीवी का हक मांगती हो? आज मैं दुश्मन हो गई आपकी? भूल गए वो दिन जब आपको मेरी बातों में अमृत, मेरी आंखों में सवेरा और मेरी बाहों में प्यार का झूला नजर आता था? आज इसीलिए तो रो रहा हूँ, एक नागन के जहर को, एक मकार बिल्ली की आंखों की चमक पर सवेरे का धोखा था और उन बाहों को प्यार का झूला समझा जो कांटों के जाल के सिवा कुछ भी नहीं। मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहता। अगर मैं आपको बुरी लगती हूँ, आप मुझे बात मत करिए, घर छोड़ के ना जाइए। तुम इसे घर कहती हो? ये घर नहीं, मेरे अरमानों का शमशान है। तुम मेरे पाँव की खाक बनने के भी काबिल नहीं, छोड़ दो मेरे पाँव। बेटा रमेश, क्यों राय का बहार बना रहे हो? कहाँ भाई और कहाँ बीवी, कुछ तो ख्याल करो। ऐसा ख्याल तुम अपने पास रखो, मैं जानता हूँ कि फसाद की जड़ कौन है और फसाद का ये फल कहाँ से कब का है। मम्मी मम्मी, वो चले गए, चले गए। चले गए हैं तो आप ही जाएंगे, उसके भाई ने कौन सा लंगर खोल रखा है जहाँ आमले का टोस्ट मिलते हैं? चल तू मेरे साथ पागल। बेटी, आजाद से सब्जी वगैरह लेकर आती हूँ, तुम जरा घर का ख्याल रखना है। अच्छा मौसी। मुझे यहाँ आए हुए कितने दिन हो गए हैं, अब मुझे मेरे पति के घर भिजवा दीजिए। चुप
दीदी जो गाड़ी नासिक को जाती थी वो इस स्टेशन पर पहुंचकर पटरी से उतर गई है। अब आपको यहीं रहना पड़ेगा। नमस्ते। क्या तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ है? नहीं, तकलीफ तो कोई नहीं। मौसी तो अपनी बेटी की तरह मेरी देखभाल करती है। तुम अपने पति के पास जाना चाहती हो, मगर तुम्हारा ससुर भी तो वहीं होगा जिसने तुम्हारे पति को शादी के मंडप से उठा लिया था। सुनो, मैं आज एक बहुत जरूरी काम पर जा रहा हूँ। जो ही वो काम खत्म होता है मैं खुद तुम्हें तुम्हारे पति के पास छोड़ूंगा। ऐसा जान क्या है? मैं दुनिया देखने जा रहा हूँ। दुनिया? क्या वो कोई नई दुनिया है? ऐसी नहीं जिसमें हम सब रहते हैं। मेरा मतलब तुम नहीं समझे। ये दुनिया अंधी है। यहाँ शराफत और नेकी की कोई कीमत नहीं। यहाँ हर चीज दौलत की कसौटी पर परखी जाती है। ऐसा मालूम होता है कि आप भी मेरी तरह काफी मुसीबतें उठा चुके हैं। क्या आपके माता पिता नहीं? माँ? अगर माँ होती तो आज मेरी ये हालत ना होती। और पिता? हैं, मगर मैं उन तक पहुंच नहीं सकता। रास्ते में दौलत की दीवार है। आपकी अभी तक शादी नहीं हुई? शादी हो चुकी है। मेरी बीवी बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है। लेकिन क्या फायदा? उसने तो आपको दर्द की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। नहीं नहीं, उसने मुझे नहीं छोड़ा। तो फिर क्या आपने उसे छोड़ा है? ऐसी बात नहीं है, वो तो भी मेरे पास है। मेरा मतलब है उसकी याद, उसका ख्याल। जब मेरे पास दौलत होगी, जब मैं उसे दुनिया का हर आराम दे सकूंगा, तो हम फिर एक बार मिल जाएंगे। तो क्या पति दौलत के बगैर इकट्ठे नहीं रह सकते? पत्नी के लिए तो पति के चरण ही सबसे बड़ी दौलत है। मुझे आपकी बातें कुछ अजीब सी लगती हैं। क्यों नहीं, ये दुनिया ही अजीब है, दुनिया वाले अजीब हैं, और अब मैं भी अजीब बनना चाहता हूँ। सीधे रास्ते पर चलकर भूख और फाके मिलते हैं, क्या फायदा है इस रास्ते का? मैं दौलत कमाऊंगा, दुनिया की आंखों में धूल झोंकूंगा। यह बकवास झूठ है, गलत है। दुनिया वालों ने तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए क्षमा परवाने का झूठा किस्सा घड़ रखा है। क्षमा परवाने का असल राज क्या है, इसका पता आपको आज चलेगा। हाजरीन, अब हम आपकी खिदमत में कवाली के शहंशाह कवाले आजम उस्ताद तमतराक अली खां और उनके नौजवान होनहार खूबसूरत खुशगुलू शागिर्द अमृत सीतापुरी की कवाली पेश करते हैं। शमा से पूछा ये एक रोज, ओ नूरे महफिल, क्या खुदा ने तुझे बख्शा नहीं उल्फत भरा दिल, जो गले तुझसे मिले उसको जला देती है, जो गले तुझसे मिले उसको जला देती है, चाहने वाले की हस्ती ही मिटा देती है, चाहने वाले की हस्ती ही मिटा देती है। समान आग रखी, समान आग रखी सर पे कसम खाने को, बखुदा मैंने जलाया नहीं परवाने को, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं, लोग तो बात का ओ, लोग तो बात का, ए जी हाँ लोग तो हाँ जी बात का, लोग तो बात का बात का बात का, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अफसाना बना देते हैं, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना देते हैं। माने परवाना मुझ पे मरता है, हाय हाय, अजल से मेरी
मोहब्बत का दम ये भरता है, किसी हसीन की महफिल हो या हो वीराना, किसी हसीन की महफिल हो या हो वीराना, जहाँ जहाँ मैं जलूं आ ही जाए दीवाना, जहाँ जहाँ मैं जलूं आ ही जाए दीवाना, हजार बार ये हजार बार ये समझा चुकी के आग हूँ मैं, न खेल मुझसे मोहब्बत के हक में नाग हूँ मैं, परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, परवाने का परवाने का ये दीवाना, बस एक राग बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, परवाने का बस एक राग तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग, तेरा हुस्न आग मेरा इश्क आग। पूछा परवाने से नादान तू क्यों जलता है, मौत जिस राह में है उस पे तू क्यों चलता है, शमा ने क्या तुझे समझाया नन बोला समझाया तो है, शोला क्या तुझको नजर आया नहीं की आया तो है, जिंदगी से तुझे नफरत क्यों है बोला नफरत कैसी, शमा से फिर तुझे उल्फत क्यों है बोला उल्फत कैसी, शमा से मुझको मोहब्बत हो ये नामुमकिन है, ऐसी कम वक्त की चाहत हो ये नामुमकिन है, नूर इसका मुझे एक आंख नहीं भाता है, इसके जलने से कलेजा मेरा जल जाता है, मेरी महबूब को ये मुझसे जुदा करती है, मेरी दुश्मन है मेरी दुश्मन है सरे शाम जला करती है, मैं तो आशिक हूँ मैं तो आशिक हूँ रात किसे आई का, मैं तो आशिक हूँ रात किसे आई का, शमा पैगाम मेरी तबाही का, शमा पैगाम मेरी तबाही का, कह दी है सच सच यकीन कीजिए, जो ना आए यकीन ये सबूत लीजिए, शमा दिन को जले शमा दिन को जले तो मैं आता नहीं, इसके जलने से मैं तिल मिलाता नहीं, मैं तो आशिक हूँ मैं तो आशिक हूँ मैं तो आशिक हूँ आशिक हूँ आशिक हूँ आशिक हूँ आशिक हूँ रात किसी आई का, मैं तो आशिक हूँ रात किसी आई का, मैं तो आशिक हूँ, लोग तो बात का अफसाना बना देते हैं, अच्छे अच्छों को ये दीवाना बना, तो मैं अपनी फूलों की दुकान उठाकर आपके गले में डाल देता। बाबू मैं नवरंग थिएटर का मालिक हूँ, 5,000 रुपया महीना दूंगा। अबे जा बे जा, 5,000 रुपया देगा अमृत बाबू, आई एम सेठ खुशीराम मालिक चित्रा मूवी टू, 10,000 रुपया महीना नकद और रहने के लिए एक बंगला दूंगा। साथ में मोटर नहीं बोलोगे क्या? भी चाहिए? हाँ, अरे हो गई। लीजिए दवा पी लीजिए। अरे आपको तो हल्का हल्का बुखार भी है। खैर कोई बात नहीं, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे, मेरे हाथ में बहुत शफा है। मेरे कारण कितनी तकलीफ हो रही है, बीमार ना पड़ता तो अब तक तुम्हें
तुम्हारे पति के पास पहुंचा देता। जो सेवा तुम्हें अपने पति की करनी थी वो आज मेरी कर रही हो। पति की सेवा तो मुझे जिंदगी भर ही करनी है। न जाने बेचारा तुम्हारे बगैर किस तरह तड़पा होगा। मैं जहां भी हूँ उन्हीं के पास हूँ। पहले गाड़ी पटरी से उतर गई थी, अब जंक्शन पर पहुंच गई। दरिया के लिए चाय लाती हूँ। टोस्ट भी। मैं किसी भसियारे का दोस्त नहीं हूँ और फिल्म हीरो मिस्टर अमृत बाबू का दोस्त हूँ। थैंक यू। अच्छा तो हो गया मिलाप। अब बता दी सारी बात। राज सोच रहा था कि मेरा वचन पूरा हो गया, मैं अमीर बन गया। अब गौरी को बता दूंगा कि वो मेरी पत्नी है। लेकिन यार एक नई उलझन पैदा हो गई। वो कौन सी? मैं अमीर क्या बना कि गौरी अपने पति को भूलकर मेरे नजदीक आ रही। आज उसने मुझे दवाई पिलाई, मेरे माथे को हाथ लगाया और ऐसी नजरों से देख रही थी जैसे जैसे क्या तुम्हारी बीवी है। लेकिन वो तो ये नहीं जानती कि मैं उसका पति। मौसी ने मेरे साथ इस घर में आने से इनकार कर दिया, लेकिन ये चली है। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हमसे मत पूछो। हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि तुम उसके पति हो और वो तुम्हारी पत्नी है। अच्छा तो अभी चुप रहता हूँ, कुछ दिनों देखूंगा। अगर ये पतिव्रता है तो जीत मेरी हो, और अगर ये पतिव्रता नहीं है तो हस्बैंड नहीं तो लवर। अब कुछ भी हो दोस्त, ये इम्तिहान होगा बड़े मजे का। ये किसका इम्तिहान हो रहा है? जी इनका नए नए फिल्म हीरो बने हैं ना, पहली पिक्चर हिट तो सब कुछ फिट, और वरना वही नथु राम के चौबारे पर। क्यों सेठ जी बहुत तकलीफ है? अरे तकलीफ जैसी तकलीफ, मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं आंखें न खो बैठूं। नया पैसा जी। अगर बंबई जाकर किसी डॉक्टर को दिखाऊं तो शायद आंखों का दर्द ठीक हो जाए। लेकिन सेठ जी बंबई जाने के लिए टिकट खरीदनी पड़ेगी, वहाँ डॉक्टरों को फीस देनी पड़ेगी। ठीक। तू मूर्ख का मूर्ख ही रहा। अरे पगले, बंबई में धर्म कर्म के अस्पताल भी होते हैं जो इलाज मुफ्त करते हैं और साथ में खाना भी मुफ्त खिलाते हैं। और फिर कौन जाने बंबई में मेरा राजा भी मुझे मिल जाए। अच्छा तो आज राजा की याद आ ही गई। तू क्या समझता है कि मैं उसे भूल गया? उसका ख्याल आता है तो कच्ची नींद से उठ बैठता हूँ, बाहर से हंसता हूँ लेकिन अंदर से चैन नहीं पड़ता। चल चल तू ही बिस्तर बांध। सेठ जी अगर मैं भी चला गया तो घर का ख्याल कौन रखेगा? चाहता तो तू सच। सेठ जी नोटी तो है, अपने साथ तो ले चले। ले तो चले लेकिन सफर में अगर रेलगाड़ी की टक्कर हो गई तो फिर क्या होगा? सेठ जी इतनी तसल्ली तो होगी कि मरते वक्त भगवान नत नारायण का हाथ अपने सर पे है। जी 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 कुछ भी कहो तेरे में अक्कर है। अच्छा अच्छा को धोखा दे कर ओ पगले क्या हो। जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा, जैसा किया है तूने वैसा ही तू भरेगा। तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा, तेरी बदी का बदला। खुश
खुश हो रहा था कितना, औरों को तू रुला के खुश हो रहा था कितना, खुश हो रहा था कितना, औरों को तू रुला के झूठे नशे में अपना मगरूर सर उठा के, मगरूर सर उठा के सोचा न वक्त ऐसा तुझ पर भी आ पड़ेगा, तेरी बदी का बदला तुझको यही मिलेगा, तेरी बदी का बदला। किसी का दिल तो कुछ ना मलाल आया, तोड़ा किसी का दिल तो, तोड़ा किसी का दिल तो कुछ ना मलाल आया, जब अपने तन पे लागी फिर क्यों ख्याल आया, फिर क्यों ख्याल आया तेरा किया कराया, तेरे साथ ही चलेगा जैसा किया है तूने, वैसा ही तू भरेगा तेरी बदी का बदला, तुझको यही मिलेगा तेरी बदी का बदला। क्यों बेटी, सुबह से कुछ खाया पिया नहीं, यहाँ बैठे क्या कर रही है? अपनी किस्मत को रो रही हूँ। रोए तेरे दुश्मन, तुझे किस बात की कमी है? रखा है क्या मेरे पास, क्या इन सोफों, इन सजी सजाई दीवारों? वो लड़की जो शादी के बाद ये समझती है कि ससुराल उसका मैका अच्छा है, कभी सुख का साथ नहीं ले सकती। अच्छा तो शांति भाभी तुझे माँ से ज्यादा प्यारी हो गई? क्यों ना हो, जब माँ ही बेटी को उल्टे रास्ते पर डाले तो पराए क्यों ना अच्छे लगे। माँ वो होती है जो बेटी का सुख का ख्याल करे, माँ वो होती है जो बेटी की भाग की रक्षा करे, ना कि उल्टी पट्टी पड़कर अपने ही पति से जुदा कर दे। माँ, माँ, तूने क्या मुझसे कोई बैल लेने के लिए मुझे जन्म दिया था? क्या कहा, माँ को गाली देती है? क्या कभी कोई माँ औलाद की दुश्मन हुई है? सुना तो नहीं था लेकिन देखा जरूर है। मैंने जो कुछ भी किया तेरी बेहतरी के लिए किया। मूर्खता की वकालत मत करो, तुम मेरी माँ हो, तुम्हें कोसने का मुझे कोई हक नहीं। लेकिन सच सच है कि हम दोनों ने किसी के सुख में आग लगाई है, जो आज उस आग की गर्मी हमारे अपने घर को झुलस रही है। इस घर में शांति थी, सुख था, जो तुमसे देखा ना गया, और अपने साथ तुम मुझे भी ले डूबी। हर वो घर जिसमें अशांति और दुख होगा, वहां जरूर कोई तुम जैसी माँ और मेरी जैसी बेटी होगी। बिटिया, कला बिटिया। मुंशी चाचा, उनका कुछ पता चला? हाँ बेटी, वो एक होटल में ठहरे हुए, बहुत दुखी है। दासी राजमहल में और देवता होटल में। मुंशी चाचा, मुझे भी उनके पास ले चलो। बिटिया, जल्दबाजी अच्छी नहीं, वो इस घर के हर आदमी से खफा है। उनका गुस्सा जरा ठंडा हो जाए तो मैं खुद तुम्हें उनके पास ले चलूंगा। ना जाने ये बुखार और खांसी कब पीछे छोड़ेंगे, एक दिन भी आराम आ जाए तो नासिक जाकर गौरी का पता लगा। इस हालत में कहां जाएंगे आप, हाथ भी तो अच्छा नहीं हो रहा है। शांति, अगर एक बार इन आंखों से गौरी को अपने पति के घर में बसा हुआ देख लूं, फिर मेरे हाथ क्या कोई पैर भी तोड़ डाले मुझे गम ना होगा। ऐसे शब्द न कहिए, सुख अगर आकर चला गया है तो एक दिन दुख भी चला जाएगा। अरे ये कैसे फूल वाले हो, बड़े सन की आदमी हो। अरे मैंने तुमसे मोतिया मांगा और तुम मुझे चमेली दे रहे हो। जिद ना करो राजा जानी, अभी अभी मंदिर का एक पुजारी, हुस्न का एक भिखारी, और भगवान भला करे दिल बहार फिल्म कंपनी की मशहूर हीरोइन दुलारी यही चमेली के फूल लेकर गई। दुलारी, दुलारी को चमेली पसंद है? मुझे जल्दी से 10 हार चमेली के बना दो। मैंने कहा वो देखो शायद दौलत शेख का मुनीम फूल खरीद रहा है। आओ देख। Thank you.
सुनिए। माफ करो माफ करो। ओह, आप यहाँ कब आए? बस थोड़े दिन हुए। कि ये हमारी गौरी नासिक में है ना? गौरी? गौरी तो वहां कभी नहीं आई। वहां नहीं गई? फिर कहां होगे? लेकिन राजा तो वहीं होगा। राजा? वो तो कब का बाप से लड़ झगड़ कर घर से भाग गया है। दौलत से? बहुत बुरा हुआ। चल बस अंधों से भरी हुई है। देखो बीच रास्ते में बिजली के खंभे की तरह खड़ा हुआ है। पास निशो? हाँ। ये लो आठ आने दे दो। ओ बाबा, ये लो मेरे बाप और रास्ता छोड़ो। नहीं नहीं, मैं भिखारी नहीं हूँ, किस्मत का माता हूँ बाबू। इसे रखो बाबा, इस पिताजी और इस हाल में राजा पिताजी पर अपना हाथ जाहिर ना करना, नहीं तो गौरी जान जाएगी कि तुम कौन हो। क्यों, क्या बात है? पिताजी। अच्छा, रोको बाबा, ठहरिए ठहरिए बाबा, ठहरिए। आओ बाबा आओ। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जहाँ आपको जाना वहीं आइए ना। मुझे कहीं नहीं जाना। आइए ना बाबा, आइए। बैठिए बाबा, तुम बैठिए। अरे रे बाबा, ऊपर ऊपर ऊपर। दीदी, ओ दीदी, जरा बाहर तो आओ। कौन है ये? ये बेचारे सूरदास है, इनका जरा ख्याल रखना। मैं अमृत बाबू के साथ स्टूडियो जा रहा हूँ। बाबा, कुछ चाहिए हो तो मांग लेना। अच्छा बाबा। भगवान आपका भला करे। पिताजी, पिताजी तुम कौन हो? दीदी कौन हो? पिताजी, मैं गौरी हूँ, आपकी बहू। गौरी? गौरी बेटी, बैठो बैठो। यहाँ तुम जो कैसे आ गई? मैं बड़े भैया की आज्ञा के बगैर शहर आ गई थी रमेश भैया से मिलने। उन्होंने तो मुझे पहचाना भी नहीं। मैं शर्म के मारे घर नहीं लौटी। इस घर में जो लोग हैं उन्होंने मुझे आसरा दिया। ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है बेटी, उसकी सजा भी तुम्हें लगी है। मुझे बेटी, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा ना कहिए पिताजी, बाप बेटी से क्षमा नहीं मांगता। आप इस घर को अपना घर ही समझिए, मैं जो हूँ आपकी सेवा के लिए। चलिए अब आप आराम कीजिए। लीजिए, जान है तो जान है। आप अच्छे हो जाए तो गौरी को भी ढूंढ लेंगे। तब तक गुजारे के लिए मैं कहीं ना कहीं काम तलाश कर लेती हूँ। खाइए बस बेटी, और नहीं, बस। और खाइए ना पिताजी। बेटी, ज्यादा तो वो खाता है जिसे जीने की ख्वाहिश। मैं जीकर क्या करूं? माया के लोभ में पहले तुम्हें तुम्हारे पति से जुदा करती हूं और फिर अपनी मूर्खता से अपने इकलौते बेटे को घर से निकाल। इसीलिए भगवान ने मुझसे मेरी दौलत छीनी, मेरी आंखें छीनी। आप चिंता न कीजिए पिताजी, मैं आपको किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी और आपकी आंखों की रोशनी आपको जरूर वापस मिल जाएगी। बेटी, आंखें मिले या ना मिले, अगर मेरा बेटा एक बार मिल जाए और मैं उसका हाथ तुम्हारे हाथ में दे दूं तो मेरा जन्म सफल हो जाएगा। देखो जी, जब से ये बाबा
घर में आए हैं तुम भूल ही गई हो कि यहाँ कोई और भी? मैं क्यों भूलने लगी, लेकिन एक बात का तो आपको पता ही नहीं। क्या? ये मेरे ससुर। अच्छा, तो पति की याद तक नहीं आती और ससुर की खिदमत हो रही है? ऐसे पति को कौन याद रखे। बहुत अच्छे, यानी कि अब आपको उससे नफरत हो गई है? ऐसे आदमी से नफरत नहीं होगी, तो मजे उड़ा रहा है और उसका अंधा बाप कलियों की खाक छान रहा है। कौन जाने, तुम्हारे पति ने तुम्हारे प्यार के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। प्यार? झूठे कहेंगे। तुमने मुझे झूठा कहा? आपको किसने कहा? मैंने तो अपने पति को कहा। ओ। आप तो इतने सच्चे, इतने उजले, इतने प्यारे हैं जितना कि चांद। चांद? और चांद ना होती तो मेरी रातों में उजाला कैसे करती? बातों के लिए वक्त नहीं देती, पहले जिस काम के लिए आए वो तो कर ले। पहले तुम लोग कमरे से बाहर निकल जाओ, क्यों लेकर ऐसे आए हो? रमेश बाबू, देखिए जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए, मुझे अपनी भूल का पता चल गया है। चले घर चलिए, भैया भाभी को भी हम ढूंढ लेंगे। मेरा भाई और भाभी तुम्हारे क्या लगते हैं? चलिए यहाँ से।
क्या हो गया है आपको? गलती मेरी थी, आप उसके सदा क्यों भुगत रहे हैं? मैं कहता हूँ दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मेरे दिल में आग लगी हुई है, इस पर तेल मत छिड़को। जाओ जाओ यहाँ से। देखो किसी घर में नौकरी ढूंढो, होटल का काम बड़ा मुश्किल होता है। तो क्या हुआ, मेहनत करना मैं जानती हूँ, निराश न कीजिए मैनेजर साहब, जी लगा के काम करूंगी। बर्तन मांजोगी? क्यों नहीं। नौकरों के कपड़े धोगी? बड़ी खुशी से। मसाला पीसना आता है? इसमें कौन सी मुश्किल है। दामोदर आया जी। देखो आज रात 100 आदमी का खाना एक पार्टी में भेजना है। अच्छा जी। इसको मसाला दे दो या पीस दे। अच्छा जी आइए। कदम कदम पे धोखा, अपने आप से धोखा, आखिर ये नाटक कब तक खेलूं, कब तक खेलूं? जब तक आपका जी ना भर। क्या आप फिल्म का सीन याद कर रहे हैं ना? लेकिन तुम कैसे जानती हो? ये हाथ में कागज जो है। ओ, मैं इतनी बुद्धू नहीं हूँ। देखिए मुझे 50 रुपए की सख्त जरूरत है, जब मैं अपने पति के पास पहुँच जाऊंगी आपको लौटा दूँ। लेकिन जरूरत क्या है? मैं अपने ससुर को आंखों के बहुत बड़े डॉक्टर के पास ले जा रही हूँ, उसकी फीस देनी है। क्या कहा? ससुर की आंखें? अगर उसकी आंखें ठीक हो गई तो हमारे तुम्हारे प्यार में गड़बड़ नहीं हो जाएगी? नहीं तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने ससुर से बदला लेना चाहती हो? जब जाएंगी तो वो देखेगा उसकी अपनी बहू जिसको उसने एक दिन ठुकरा दिया था आज किसी गैर मर्द के साथ। बस बस बस, आप तो सब कुछ समझते हैं, अब 50 रुपए दीजिए ना। अच्छा अच्छा मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, मामूली से ऑपरेशन से आंखें ठीक हो जाएंगी, 5-7 रोज हॉस्पिटल में रहना होगा। जी आपकी तारीफ। मेरा नाम सेठ मोहतलाल, प्रोड्यूसर फ्री इंडिया फिल्म्स कंपनी। This is my director, Mr. Kanju. I see. Come. Kanju. Nice to meet you. Same to you. आपकी तारीफ। I'm passing so. Secretary to Mr. Amrit Babu. Oh, wonderful. जब तो अपना काम बन गया। ये, हम अपनी पहली फिल्म जवानी की रेल बना रहे हैं। उसी के लिए अमृत बाबू को हीरो बनाना चाहते हैं। Very good. Passing so. Yes, boss. आप लोग बैठिए। हाँ, मैं अभी आता हूँ। जल्दी बैठिए, जल्दी आइए। जल्दी आओ। नया बकरा है, पिक्चर बना रहे हैं। अरे तू नहीं जानता, ये हमारे घर का पुराना नौकर है। जरूर मेरे बाप के माल पर आश कर रहा है। जरा जाकर टटोल दो कि बैग में कुछ है। ओके। अरे फोकट लाल जी, इश मफत लाल जी। हाँ तो सेठ मफत लाल जी, समझ लीजिए आपका काम फोकट में हो गया। अमृत बाबू तो कह रहे थे कि 9-10 पिक्चर है, कोई चांस नहीं, लेकिन मैंने कहा कि आदमी शक्ल से शरीफ खानदानी मालूम होता है। दाम बोलिए। ये बताइए आप एडवांस चाहिए कैश? ये बैग देखा, नोटों से भरा पड़ा हुआ है। अरे फटा जा रहा है, फटा। ठहरिए ठहरिए, तो थोड़ी झलक दिखाइए ना। झलक दिखाओ 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 देखो सब सब लोग। अब आया यकीन? बंद करने की जरूरत नहीं। पासिंग शो जी सर, ये बैग ले जाओ और मेरी अलमारी में रख दो। नहीं अमृत बाबू, पहले कॉन्ट्रैक्ट की बात कीजिए, ये मुफ्त का माल नहीं। तो क्या तुम्हारा बाप का माल है? नहीं नहीं हुजूर, आपके बाप का माल है। पहचाना मुझे नया तो, पैसा राजा आ? हीरो तुम। अटेंशन भी जगह पर है, मत सीधा नया पैसा मेरा यहाँ तशरीफ लाइए राजा। आइए ना, यहाँ आपका अपना घर सीधा। रुकना नहीं, देखिए 9 नंबर के कमरे में जो साहब रहते हैं वो मेरे पति हैं। ये खाना उन्हें भी। लेकिन खाना होटल में जो बनता है। मैनेजर साहब वो जरा बीमार से हैं, अगर हम लोग हर रोज खाना उन्हें घर से भिजवा दें तो इसमें क्या हर्ज है? घर में जरा उनकी अनबन हो, इतना काम, लेकिन उनको पता न चले कि खाना घर से आता है। अच्छा रख दीजिए टिफिन कैरियर। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम राम। बड़े घरों का ये हाल, इसे तो मेरी बीवी अच्छी है जिसने मुझे अभी तक घर से नहीं निकाला। अब धीरे धीरे
रखना रखना, मैं देख सकता हूँ, अब मैं देख सकता हूँ। गौरी मेरी बेटी मेरी बच्ची, ये तेरा धर्म का तेज है कि आंखों को रोशनी मिल गई। पिताजी तू राजा आ बेटे, पिताजी आपकी आंखें अच्छी हो बेटे, मगर तू यहाँ कैसे आ गया? जी मैं बताती, मेरे पाँव को हाथ बांध लगा। क्यों ना लगाऊं, इन्हीं पाँव में तो मेरा स्वर्ग है। अच्छा तो मुझे बेवकूफ बना रही? तो क्या आज तक आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे थे? मैं तो जिस दिन आपके घर दाखिल हुई थी मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मुझे आश्रय देने वाला कोई गैर मर्द नहीं बल्कि मेरा अपना पति है। पति? मैं और तुम्हारा पति? आइंदा मुझे पति कहा तो? अरे अब अगर मेरी बहू पर हाथ उठाया तो याद रख, हाथ और पांव दोनों तोड़ के रख दूंगा। कभी आप नहीं जानते कि सच्चाई क्या है। बाप नहीं जानता और बेटा सब कुछ जानता है। गौरी ने तो अपना आप मुझ पर जाहिर कर दिया था लेकिन तूने अपने आप को अभी तक छुपाए रखा। अबे ओ कंजूस के वाला, आपको बीवी का भी इम्तिहान देता है? लेकिन पिताजी इसको मेरे साथ नाते खेलने की क्या जरूरत थी? छी छी छी। राजा बेटा, मौसी ये तो तुम्हारी आज्ञा का पालन कर रही थी। उस रात तुम पाचन सौ से कह रहे थे ना कि वो तुम्हारी बीवी है, जब तक तुम कुछ बन नहीं जाओगे अपने आप को जाहिर नहीं करोगे, ये तुम्हारी बातें मैं और गौरी सुन रहे थे। अब आया विश्वास, चल पहुँचू बहू कर माफी मांग। पिताजी अरे भैया मांग लेना माफी, संसार में हर पत्नी अपने पति के पाँव को हर रोज छूती है, एक दिन पति ने छू लिए तो कौन सा इंकलाब आ जाएगा? अबे पाँव नहीं पड़ता तो हाथ ही पड़ जा, ला दिखा मुझे हाथ, ला बेटी हाथ लाई। आज मुझे असली दौलत मिली है, सदा सुहागन हो। जाओ और मंदिर में भगवान को प्रणाम करके आओ। जाओ सुनिए, फूल लेते चले। तुम्हारे लिए? भगवान के लिए। ओ, अच्छा भैया फूल वाले, इस हार की क्या कीमत है? अजी इस हार की कीमत क्या तकदीर पाई है। अरे शरबत वाले दो गिलास शरबत, चाय वाले दो गिलास चाय, और फ्रूट वाले दो प्लेट फ्रूट। क्या तकदीर पाई है, क्या हुआ पहचान लिया? अजी अजी जो आपको नहीं पहचानेगा मोतियों वाली सरकार, वो अभी तक पैदा ही नहीं हुआ। आप वही है ना फिल्मी दुनिया के चमकदार सितारे? अरे बाप कपालों के बादशाह, हमारे बाबू हाथ मिलाइए आइए। हजूर उस दिन मैंने आपकी कवाली सुनी, अरे अरे दो दिन तक बेहोश पड़ा रहा, क्या कवाली। बस बस ज्यादा तारीख की जरूरत नहीं, तुम जल्दी से हार दे दो। अजी दूंगा तो बाद में, पहले आपको पहना तो दूं। ये लीजिए एक आपके लिए। लेकिन इनकी कीमत तो बता दीजिए। कीमत? शर्मिंदा कर रही हैं आप। अजी इनके लिए तो मेरी जान हाजिर है, ये दुकान हाजिर है, मेरा मकान हाजिर है। ये कहाँ हमारी किस्मत के लिए हमारी दुकान पे आए। हजूर आपकी नई फिल्म कब रिलीज हो रही है? दिवाली तक हो जाएगी। दिवाली? हाँ तो दिवाली के रोज पहले ही दिन पहला इशू और पहले देखकर पुराने जमाने की पुराने विचारों की भारतीय नारी, या तू भी अपने लिए कोई खुशी ढूंढ ले। जल्दी कह रही है मेरी खुशी, आपको बताओ क्या है मेरी खुशी? ये चरण, आपके चरण। क्या क्या हुआ भाई? मारे आप कह रहे हैं तेरे में डॉक्टर बुलिया के भगवान के लिए थोड़ी सी मदद कीजिए। अच्छा मेरे पति की हालत बहुत खराब है, घर में पैसा नहीं, उन्हें अस्पताल में पहुंचाने के लिए मुझे 20 रुपए उधार चाहिए। 20 रुपए? मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो बाबी, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, मैं वो कला नहीं। आप लोग कहाँ रहते हैं बाबी? मैं उनके साथ एक धर्मशाला में पड़ी हूँ। धर्मशाला? कला इस वक्त उनकी हालत बड़ी नाजुक है, वो बेहोश पड़े। बेहोश पड़े? चलिए चलो भाभी, आपके देवर को पता देना चाहिए। क्या रमेश यहाँ है? हाँ भाभी ऊपर के कमरे में, आओ मेरे साथ। रमेश भाभी, रमेश भैया कहाँ है? चलिए चलो रमेश, उनकी हालत बहुत खराब है। क्या कहा? भैया की हालत बहुत खराब है, मगर भैया कहाँ? एक धर्मशाला में। चलो तो जल्दी चलो। भैया भैया, क्या इतने दिनों के बाद मुझे इस हालत में मिलना था? तुम्हें क्या हो गया है भैया, तुम्हें क्या हो गया है? चलिए पहले अस्पताल ले चले। हाँ रमेश। आओ मैं। कौन लाया मुझे? भैया मैं लाया, रमेश।
क्या बीमारी है मेरे भैया? बाजू के जख्म की बहुत दिनों से देखभाल नहीं हुई, इस लापरवाही से बदन में जहर फैल गया, फौरन ऑपरेशन की जरूरत है। क्या जरूरत है ऑपरेशन? यहाँ जीने की तय किसे है? मैंने गौरी को अपनी आंखों मंदिर के पास एक फूल वाले की दुकान पर एक गैर आदमी के साथ देखा है। बहन पर अधिकार न सही, मौत पर तो अधिकार है। भाभी, मेरे कारण हुआ, मैं जरूर गौरी को ढूंढ कर लाऊंगी। देखिए देखिए। अजी मैं क्या देखूं, आप देखिए, ये चंदेली है, मौसम की रानी, ये मोतिया है, ये गुलाब है, बोलिए क्या लेंगी आप? देखिए मैं फूल लेने नहीं आई, आज एक लड़की और एक फैशनेबल लड़का आपकी दुकान से फूल लेकर गए थे, मैं उनका पता पूछने आई हूँ। ओहो, लेकिन यहाँ दिन भर में 50 लड़के और 100 लड़कियाँ आती हैं, मैं सबके क्या पते लिख कर रखता हूँ? कहाँ मिलेगी गौरी? ठहरिए ठहरिए, गौरी नाम था उसका? जी हाँ। आज धर्मशाला से भी दोपहर को एक आदमी गौरी गौरी कहकर पुकार रहा था। वही उसी के बारे में पूछ रही हूँ। लेकिन वो लड़की तो एक फिल्म हीरो की शायद बीवी है। बीवी? उस हीरो का नाम पता क्या है? देखिए असली नाम और धर्म तो भगवान जाने, लेकिन फिल्मी नाम अमृत है, अमृत। कॉलेज रोड पर रहता है। कॉलेज रोड? कॉलेज रोड। हाँ? अच्छा, हाँ? शुक्रिया। अरे माँ, हाँ हाँ, छोड़िए, ऑपरेशन बहुत जरूरी है। नहीं नहीं, गौरी गौरी, भाभी सुन। हाँ गौरी, जल्दी चलो मेरे साथ, हमारे बड़े भैया अस्पताल में हैं। भैया अस्पताल में? हाँ, आज सवेरे उन्होंने तुम्हें गैर मर्द के साथ फूलों की दुकान पर देखा था, उन्हें तुम्हारे चाचरन पर शक हुआ और वो बेहोश हो गए। भैया 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 देखो ना, गौरी आ गई। भैया किस मुंह से आई? चली जाओ यहाँ से, मेरे मरने के बाद। नहीं भैया, तुम मुझे गलत समझ रहे हो, जिसे तुमने गैर मर्द समझा वो वही है भैया, जिसके हाथ में मेरा हाथ आपने दिया था। भैया पहचाना नहीं मुझे? मैं हूँ राजा, दौलत सेठ का लड़का। हाँ हाँ हाँ, मैं ही गौरी के साथ फूल खरीदने वहां गया था। भैया भैया, आप तो ऑपरेशन के लिए हाँ कह दो। हाँ भैया। गौरी, मैं मौत के दरवाजे पे खड़ा हूं, लेकिन तुमने फिर से मुझे जीने की आस दिलाई। डॉक्टर साहब, अब मैं जीना चाहता हूं, आप बेशक ऑपरेशन कर दीजिए। दैट्स गुड। ऑपरेशन कामयाब हो गया, अब कोई खतरा नहीं। शुक्र है भगवान का, गला गला तूने उनकी जान बचाई, किसी पर एहसान नहीं किया, अपना ही भला किया है। सुनिए, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। पिताजी, रतन बाबू इसी हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में, चलिए पहले उनको देखें। अच्छा, वो भी इसी अस्पताल में है? जी हाँ। चलो बेटा, फिर आंखें ठीक होने के बाद एक देवता के दर्शन ही कर ले। चलो आओ, आओ बेटा। जी 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 जी, इस जन्म में तो मैंने पाप ही पाप किए हैं, मगर पिछले जन्म में जरूर कोई पुण्य किया होगा, जिसके कारण कि आज हम सबका मिलाप हो गया है। रतन बाबू आइए। जैसा नमस्ते। क्या दोष है? कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है, आदमी वो जो दुख और सुख में एक समान रहे, वरना मनुष्य और पशु में फर्क ही क्या है? रतन बाबू, अगर मनुष्य के रूप में किसी ने पशु देखना हो तो मेरे दर्शन कर ले। उम्र भर मैं सांप की तरह दौलत पर कुंडली मार कर बैठा रहा, लेकिन सच्ची दौलत तो अब मिली है मुझे, ये है मेरा सोना और ये है मेरी चांदी। जी जी जी।